ये है कहानी मेहनती रामू किसान की, जो अपने मेहनत पर ही भरोसा रखता था, अंधविश्वास पर नहीं। आइए सुनते दोस्तों। रामू नाम का किसान बहुत ही मेहनत करता था। वो हमेशा लोगों को कहता था कि अपनी मेहनत पर ही भरोसा करो, अन्यथा किसी किस्मत पर नहीं, हमें अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। और इसी तरह रामू मेहनत करता चला जा रहा था, इससे उसकी खेती में बहुत सारा उसे फायदा हो रहा था। ये देखकर गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। क्या रामू ऐसा क्यों है, हम भी तो मेहनत करते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता। तो रामू एक सज्जन था, वो हमेशा से ही मेहनत करता आता था। उसके पिताजी और उसकी माँ हमेशा उसे यही पढ़ाती थी कि बेटा मेहनत ही करो, मेहनत ही सब कुछ है, अंधविश्वास में मत जगना। अरे सुनती हो भाग्यवान, हमारे रामू की चर्चा पूरे गांव में फैली है। जो भी कहता है वो उसकी बात ही कहते रहता है कि आपका बेटा बहुत ही मेहनती है। वो हमें भी बोलता है कि मेहनती करो, अंधविश्वास पर भरोसा मत करो, मेहनत पर ही भरोसा करो। आपका बेटा लाखों में एक है। गांव में एक भोंदू बाबा आते, वो सभी लोगों को जमा कर वो कहते हैं कि आपकी फसल इतनी दुगनी हो जाएगी कि आप देख लेना, सिर्फ आपको मेरे पर भरोसा रखना चाहिए और मैं जैसा कहता हूँ वैसा आपने करना। सब लोग परेशान हो गए, वह सोचने लगे क्या सच में ऐसा हो सकता है। उनमें से एक बोला, हम इतने बार कुछ भी कर चुके हैं, हमारी फसल वैसी की वैसी है, इस बार हम इस बाबा पर भरोसा कर लेते हैं, देखते हैं कि सच में भी हो सकता है तो चमत्कारी हो जाएगा। ठीक है, रामू को भोंदू बाबा की कहानी पता चल गई। वो सोचने लगा कि लोग चमत्कार पर इतना भरोसा करते हैं जो मेहनत पर नहीं, मुझे उनको ये बात समझानी पड़ेगी वरना वो बर्बाद हो जाएंगे। सुनो भाइयों, ये भोंदू बाबा के चक्कर में मत आना, चमत्कार ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सब लूटने के काम है, वे तुम्हें लूट कर गाँव चला जाएगा, बाद में पछताना मत, मैं समझा रहा हूँ तुमको। ठीक हुआ रामू भैया, आपने हमारी आंखें खोल दी, वरना हम वो भोंदू बाबा के चक्कर में बर्बाद हो जाते थे।